हैदराबाद केस के आरोपियों का एनकाउंटर, पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया। आरोपियों ने जहां लेडी डॉक्टर को जलाया, पुलिस ने वहीं उनका एनकाउंटर किया। 27 नवंबर को हुए हैदराबाद मामले में हैवानियत की हदें पार हो गई थी। चार लोगों ने पहले तो लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया। इस वारदात के बाद पूरे देश में गुस्सा उफान पर था। हर कोई उन हैवानों को जल्द से जल्द सजाए मौत देने की मांग कर रहा था। गुस्से का आलम यह था कि सांसद जया बच्चन ने तो राज्यसभा में यहां तक कह दिया था कि उन हैवानों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। बहरहाल इस वारदात के तकरीबन एक हफ्ते बाद 6 दिसंबर की अलसुबह खबर आई कि हैदराबाद पुलिस ने उन चारों हैवानियों को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया गया था, जहां उन्होंने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस ने यह एनकाउंटर ठीक उसी जगह किया है जहां इन आरोपियों ने लेडी डॉक्टर को जिंदा जलाकर मार दिया था। इस एनकाउंटर के बाद देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहां तक कि निर्भया की मां ने भी यही बात कही है कि मुझे कोर्ट के चक्कर काटते हुए 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने जो किया वो पीठ थपथपाने वाली बात है। पूरे देश से हैदराबाद पुलिस के लिए वाहवाही की जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने इस तत्काल फैसले को गलत भी ठहराया है। उनका कहना है कि यह हैदराबाद पुलिस की सोची समझी कार्रवाई थी। बहरहाल जो भी हो, बीते कई दिनों से देश में गुस्से का जो उबाल आया हुआ था वो फौरी तौर पर कुछ कम तो जरूर हुआ है। टीम खबर अपडेट।